जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे बच्चे के अलग अलग एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं या जो बच्चे मिनिमम एज वाले हैं, वो दोनों का ही क्वेश्चन रहता था, सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक नेगेटिव मार्किंग को लेके, क्या सर इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बार एसएससी जीडी में क्या हार्ड रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग और एज रिलेशन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो कितनी रहेगी, किस हिसाब से रहेगी, साथ में एज रिलेशन इस बार इस भर्ती में कितनी एज तक की छूट दी जाएगी, एज में कितना रिलेशन दिया जाएगा एसएससी की तरफ से, और क्यों दिया जाएगा और क्यों दिया जाना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो नेगेटिव मार्किंग का जो पॉइंट आया था एसएससी की तरफ से, वो इसलिए आया था कि पिछली जो 2018 की जो वैकेंसी रही है उसमें क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ बच्चों के नंबर 100 क्रॉस कर गए हैं, यानी कई ऐसे बच्चे रहे हैं जिनके मतलब 100 में से 105 नंबर भी हुए हैं, 103 नंबर भी हुए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से है ना, नंबर कई बार प्लस चले जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है कि एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग रहती, नहीं तो बच्चे स्कोर करते हैं बहुत 90+, 92, 93 ऐसा स्कोर भी एसएससी जीडी में होता है बच्चों से। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं एसएससी जीडी के बच्चे, जो एनआईए में जाना चाहते हैं, जो एसएसएफ में जाना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी को पता। तो वो ये फिर क्या करते हैं कि जब नंबर लाते हैं तो वो पेपर मान लो गट्टा फरता है, उसके नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर प्लस किए गए, तो उस बच्चे के अपने आप ही, ये तो है नहीं कि एक बच्चे के प्लस किए जाएंगे, एक के नहीं, सभी के किए जाते हैं, तो उन बच्चों के प्लस किए जाए तो उनके 105 नंबर भी हो गए। तो इसको देखते हुए कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी में नेगेटिव मार्किंग की सभी को सुनने में आ रही है, और एसएससी की तरफ से भी ऐसा हो सकता है कि एसएससी जीडी के पेपर में, आप सभी को पता अभी प्रेजेंट टाइम में देश में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, केवल एसएससी जीडी को छोड़ के, चाहे आर्मी की देख लो, बीएसएफ के जो डिपार्टमेंटली अलग से जो वैकेंसी होती है उनमें भी माइनस मार्किंग है, लेकिन एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, अब एसएससी जीडी में भी इस बार से माइनस मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर माइनस मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर माइनस मार्किंग रहेगी तो भी आपको फ़ायदा है, नहीं रहेगी तो उन बच्चों को फ़ायदा है जो पढ़ाई नहीं करते, उनके कई बार तुक्के भी चल जाते हैं। माइनस मार्किंग से उन बच्चों को फ़ायदा होता है जो कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करते हैं और कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, उन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है किससे, माइनस मार्किंग से। नेगेटिव मार्किंग से चाहे वो 1/3 रहे, चाहे 1/4, अगर रहेगी तो 1/3 रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर माइनस मार्किंग रहेगी, और इस बार काफ़ी चांसेस है कि माइनस मार्किंग रहे एसएससी जीडी में, तो अगर माइनस मार्किंग रहेगी तो 1/3 रहेगी दोस्तों। क्लियर तो तभी हो पाएगा जब एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आएगी मई में तभी, लेकिन अगर रहेगी तो 1/3 रहेगी और माइनस मार्किंग रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पेपर का जो इसका प्रोसेस है, जो पेपर का इसका जो पैटर्न है, आप सभी को पता, पहले तो इसमें पूरे के चारों के चारों ईजी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैथ अंकगणित दी हुई है केवल 10th लेवल की, रीजनिंग 10th लेवल की है, जीके बिल्कुल इसमें आसान जीके आता, ज़्यादा हार्ड नहीं आता, हिंदी का भी कोई खास लेवल नहीं है इसके पेपर का। आप इसके ओल्ड पेपर देखोगे जाके, जैसे मैंने बताया था, ओल्ड पेपर की जो बुक है वो भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं खरीदी तो खरीद सकते हो, ओल्ड पेपर के लिए भी शानदार बुक है, तो उसमें आप जाके देखोगे ना तो पता चल जाएगा इसका लेवल कोई हाई लेवल नहीं है, मतलब हिंदी का भी या मैथ का भी, अंकगणित दी हुई है पूरी पूरी, तो मतलब बहुत ही ईजी लेवल है, तो उसमें क्या स्कोर बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों का, तो इसलिए हो सकता है कि इस बार माइनस मार्किंग रखे, तो उसका तो फायदा होगा दोस्तों, उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कतई चिंतित नहीं होना है माइनस मार्किंग को लेके, कि उनका माइनस मार्किंग होने से उनको कोई नुकसान होगा। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, मेन पॉइंट, ज़्यादातर जो बच्चे पूछते हैं कि सर एज क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो दोस्तों एक चीज़, एक साइड से गुड न्यूज़ भी है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन वही बात है, कहीं गुड न्यूज़ है तो कहीं बैड न्यूज़ भी हो जाएगी। अब मई में जब नोटिफिकेशन आएगी, और अगर जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो जिस महीने के लास्ट डेट तक फॉर्म भर जाएंगे, यानी जून तक भरे जाएंगे, तो जो बच्चे जून तक 18 साल के हो रहे हैं उनको मौका मिल जाएगा इस बार एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने में, यानी पहली बार में उनको एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने का मौका मिल जाएगा जो जून तक 18 साल के हो रहे हैं। आप काउंट कर लीजिए, जून 30 तक अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो 30 जून तक से अपनी डेट से काउंट कर लीजिए कि आप 18 साल के हो रहे हो, तो आपको मौका मिल जाएगा पहली बार में एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए। तो अगर ये अप्रैल से नोटिफिकेशन आती है, तो अप्रैल की अगर डेट होती है इसमें, तो आप जून वाले बच्चे नहीं दे पाते, तो काफ़ी सारे बच्चे इसकी वजह से अंदर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाएंगे जो इस क्राइटेरिया से बाहर चले गए। लेकिन दोस्तों, एज रिलेशन के लिए ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन आते हैं कि सर एज रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों बता दूँ, एज रिलेशन तो मिलेगा, अब मिलेगा कितने ईयर का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एज रिलेशन पक्का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि वैकेंसी वैसे भी कम से कम 1.5 साल के आसपास डिले हो गई है, तो 1.5 साल के आसपास डिले होने की वजह से, कोरोना काल की वजह से, बहुत सारे बच्चे हैं कि जो वैकेंसी में मतलब
बैठ नहीं पाए या ओवर एज हो गए एक ही एग्ज़ाम दे पाए, तो एसएससी भी ट्राई करेगी, ज़्यादातर कोई बात नहीं कंपटीशन बड़ा हो जाए, लेकिन ट्राई करेगी कि बहुत सारे बच्चों को मौका मिले। और इसीलिए आपको एज में 100% मैं बोल रहा हूँ, एज में आपको छूट दी जाएगी। अब एक ईयर की दी जाए या दो ईयर की दी जाए वो तो मैं नहीं कर सकता क्लियर, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन एज में आपको छूट देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये भी है, अब ये वैकेंसी लेट डिले हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं एज रिलेशन का रीज़न रहा है। ये जो नोटिफिकेशन इसकी लेट हो रही है तो इसका मतलब है इसकी नोटिफिकेशन में कोई ना कोई मेन मॉडिफाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मॉडिफाइड हो रहे हैं, इसी वजह से इसकी नोटिफिकेशन डिले की गई है। तो आपको एज में रिलेशन, अगर कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के माइंड में ये बात गई है, चाहे किसी भी एंगल से जाए कि हाँ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको वैकेंसी देखने का मौका नहीं मिला है, कोरोना काल की वजह से वैकेंसी डिले हो गई है, एक साल प्लस डिले हो गई है, तो एज में कहीं ना कहीं आपको छूट देखने को मिलेगी, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे 12 महीने हो, चाहे 1.5 साल हो, चाहे 2 साल हो, लेकिन ज़रूर भले ही वो डेट अगर मान लो ज़्यादा नहीं देंगे तो ये है भी हो सकता है कि आपकी डेट 1 जनवरी 2022 से काउंट करवा दें, तो भी काफ़ी 6 महीने के आसपास बच्चे एंट्री कर सकते हैं इस वैकेंसी में। लेकिन एज में छूट शर्तियाँ मिलेगी, चाहे कितनी भी मिले, ये बात मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लेना, भले डाउनलोड कर लेना, मैं बोल रहा हूँ एज में छूट 100% मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वो क्लियर नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 23 साल से ऊपर हो गई जनरल वाले, वो तैयारी करने में थोड़ी सी हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों आपको तैयारी करते रहना है, अगर मान लो इसमें खुदा ना खास्ता किसी कारणवश अगर एज में छूट नहीं मिली, आरपीएफ कॉन्स्टेबल आरपीएफ एसआई की वैकेंसी तो आ रही है, तो आपको तैयारी आपकी काम में आएगी, इसलिए आपको ये सोच के तैयारी करना है कि फिलहाल तो मैं ऐसे जीडी की तैयारी करूँ, अगर किसी कारणवश मान लो ना भी दे एज में, अगर छूट बिल्कुल ही ना दे, तो फिर उस कंडीशन में आप आरपीएफ का पेपर दे सकते हो, तो आपकी तैयारी तो काम में आएगी। इसलिए हथियार नीचे मत डालो, बुके उठा लो और तैयारी करो दबा के, एज में छूट पक्का मिलेगी आपको, ज़रूर एक मौका मिलेगा। जो बच्चे अभी रह गए हैं फाइनल मेड, जो एसएसजीडी की डिले हुई थी, वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि बच्चे काफ़ी 3-3 साल तक इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी भी मांग रहेगी 1 साल की, मतलब एज छूट दे ताकि वो वापस से फिर से बैठ सके, उसको देखते हुए और वैकेंसी जो डिले हो रही है उसको देखते हुए भी छूट मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसी आ रही है उन सब में छूट दी जा रही है, तो हो सकता है सेंटर भी इस चीज़ को फॉलो करे, ठीक है, तो छूट जरूर दी जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी तगड़ी करिए। दोस्तों अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो आपने देखी, जैसे राजस्थान में एसआई की वैकेंसी आई थी उसमें भी 2 साल तक की छूट दी जाए, अलग से दी गई थी 2 साल, क्यों, क्योंकि कोरोना काल की वजह से भी डिले हुई थी वैकेंसी, कहीं ना कहीं डिले हुई थी, उन्होंने इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 साल एक्स्ट्रा, मतलब जो बच्चे जिनकी 18 से 25 साल थी तो उसको 27 साल कर दिया, और ज़्यादा मौका दिया लोगों को ताकि वो कंपटीशन में आ सके, कोई बात नहीं उनकी किसी कारणवश भर्ती डिले हुई, तो वहीं एसएससी जीडी की वैकेंसी आप सबको पता है कि डिले है, 1 साल प्लस डिले है, तो आपको ज़रूर एज में रिलेशन मिलना चाहिए और मिलेगा, क्योंकि सरकार भी चाहे एसएससी हो चाहे सरकार हो गृह मंत्रालय हो किसी के साथ नाइंसाफी करे ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन जो ओवर एज हो गए हैं इस टाइम की वजह से, और जैसे जैसे भर्ती डिले होते जा रही है वो ओवर एज होते जा रहे हैं, तो उनके भी सपने हैं, इसलिए उनको मौका ज़रूर दिया जाएगा, चाहे किसी भी कारणवश दे उनको मौका हमें दिया जाएगा, गारंटी है मेरी, आपको एज में छूट देखने को मिलेगी, चाहे अब कितनी मिलेगी वो नोटिफिकेशन के बाद में क्लियर हो जाएगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, इसलिए आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी, चाहे आपकी एज 18 से 23 से अगर ऊपर भी हो गई तो भी आपको पढ़ाई करना है। दोस्तों जय हिंद जय भारत।